Hello everyone. My name is Nas, and I welcome to you in my channel Nas Parshala. Today I have taken the different subject from the life management skill. How we can we deal our day to day life? Life skills are defined as problem solving behavior, appropriately and responsibility used in the management of personal affair they apply to the following areas, responsibility, self, family, leisure, community, and job. and there are many more places we can use life skills day-to-day -day life. so in this video, i'm going to teach you four lessons that will work in life. how can we deal our day-to-day -day life and how can we give a separate or something else in the life? So, there are four things in this video I am going to take compare, goal, effects, and change. How the four things can change our life? So, I am going to take our first topic, comparison. Everybody know about compare. How can it is use life and management skill? None of us are perfect, and we all know that. We all want to be sensible, tolerant, hardworking, and humble. Being calm means that we compare, but it is positive comparison. It also means that you know that you have a lot of work to do for yourself right now i'm going to uh, just take the source of book the magic of thinking big from that book i have learned many things about life and management skill and i would like to teach you the same that suppose if we are compared अगर हम किसी भी पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं चाहे वो लाइफ में हमारे अलावा कोई भी सेकंड पर्सन हो सकता है मे बी द फैमिली पर्सन और सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ मदर सिस्टर फादर वॉट इट इज़ अगर हम किसी भी बंदे से अगर हम कंपेयर करें वैसे कहा जाता है डोंट एवर ट्राई टू कंपेयर अदर पर्सन

हम सब में एक अलग अलग क्वालिटी होती है चाहे वो बहन है भाई है चाहे कोई भी पर्सन है तो उन सब में अगर हमारी सिमिलरिटी नहीं हो सकती देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अदर पर्सन के वो हम जैसा हो सकता है सो so, जो लाइफ एंड मैनेजमेंट स्किल्स है इट इज़ टॉकिंग अबाउट द पर्सनल अफेयर्स अगर हम पर्सनल अफेयर्स की बात करें कि हम लाइफ में किस तरीके से डील कर सकते हैं जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व आए तो कंपेयर एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर कहा जाता है कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से भी लेकिन अगर हम एक एक्सपेक्ट देखें कंपेयर का एक एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट तो हमें कंपेयर करना चाहिए ओनली द पॉजिटिव थिंग्स जो उसमें अगर किसी पर्सन में सपोज इफ समी हैव अ पेशेंस क्वालिटी द वे ही इज़ डीलिंग अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क एज अ पेशेंस अगर आप वो पेशेंटली अगर काम कर रहे हैं काम डाउन रह रहे हैं एंगर में अगर आप अपने आप को काम डाउन रख रहे हैं द वे यू आर डीलिंग इन डिफरेंट सिचुएशन तो आप उस कंपेरिजन में आप कंपेयर कर सकते हैं कि काश मैं उसकी जगह होता तो काश ये चीज़ मुझ में भी होनी थी वो इतने सब कुछ हो गया इतना लॉस हो गया सपोज इफ यू हैव लॉस समथिंग सपोज यू लॉस यूर मोबाइल ऑन द वे हाउ यू विल डील वीड इट नो डाउट यू विल फील एंगर लॉस डिसअपॉइंट लॉली तो हाउ कैन यू डील दैट इन सिचुएशन कंपेयर so, एक ऐसी जो लाइफ में हमें कई ऐसे पर्सन मिलते हैं जो हमें काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं तो उन पर्सन में हमें एक अच्छी क्वालिटी भी नजर आती है बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ अ गुड क्वालिटी मैं नहीं मानती कि दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसमें गुड क्वालिटी ना हो अगर गुड क्वालिटी ना होती तो जिंदगी में हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो ही नहीं सकते ये कि दुनिया किसकी वजह से चल रही है हमारी अच्छाइयों की वजह से चल रही है कुछ ना कुछ माना कि बहुत लोग बोलते हैं कि आज की जो जनरेशन है काफ़ी सेल्फिश हो चुकी है बहुत मतलब ही ज़माना हो चुका है तो इस ज़माने में हम अच्छाई की उम्मीद किसी से कर ही नहीं सकते मगर फिर भी कहीं ना कहीं आप उठा के देखिए कि वो अच्छाई ही है जिसने इस दुनिया को एक दूसरे से बांधे हुए रखा है अब भले ही वो उस चीज़ में चाहे सेल्फ निकाल लो क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी वजह से मतलब से ही जुड़ा हुआ है लेकिन अगर हम उसमें डीपली घुस जाएंगे उसमें प्रैक्टिकल लाइफ ढूंढने लग जाएंगे तो नो no डाउट है पर्सनल लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी बिकॉज अगर हम बात करें नन ऑफ अस आर परफेक्ट कोई भी दुनिया में परफेक्ट है ही नहीं तभी तो हम क्या कहलाते हैं इंसान क्योंकि इंसान है तो नो no डाउट है वहाँ गलतियाँ भी होगी मिस्टेक्स भी होगी यू हैव टू एक्सेप्ट इट और इम्प्रूव इट ये लाइफ का जो सर्किल है तो हमें अगर किसी बंदे में या किसी भी पर्सन में अगर हम कंपेयर करें वो भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट तो हमें हमारा जो है लाइफ में हमें उनको देख कर ऐसा फील होता है हाँ ज़रूर हमें हमारे में बदलाव लाना पड़ेगा वी हैव टू डू वर्क वी वी हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क टू चेंज आर सेल्फ हमेशा हम सोचते नहीं मुझ में तो कोई बदलाव नहीं लाना आई एम द परफेक्ट वन एक्चुअली नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ तो हर इंसान को जो दिखाई देता है ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो तो so, इसीलिए जो हम जो बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आई हैव टेकन दिस द सोर्स ऑफ कंपेयर फ्रॉम दैट एंड आई हैव लर्न मैनी थिंग अबाउट इट द कंपेयर सपोज इफ एनी बडी इज हैविंग द पॉजिटिव एक्सपेक्ट यू कैन कम्पेयर विद यू कैन ट्राई टू गेट इट आप उससे पाने के लिए कर सकते हैं कंपेयर कि हाँ उसमें कितना अच्छा पेशेंस इतना सब कुछ हो गया फिर भी कितनी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है कितना कंट्रोलिंग पावर है तो हर इंसान भी कुछ ना कुछ खूबी होती है जो सीखने वाला बंदा है वो किसी भी तरीके से सीख सकता है तो हमें लाइफ में कंपेयर करना चाहिए वो भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट को लेके तब हमारी लाइफ जो है काफी सक्सेसफुल हो सकती है और हम में जो कमियां है उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए हमें कि हम में ये कमी है और तभी हम उसे जो है इंप्रूव कर सकते हैं गोल लाइफ विल बी अपलिटेड ओनली इफ यू हैव डीप डिजायर नो डाउट अगर बिना तमन्ना के ज़िंदगी निकाली जाए तो वो बे होती है नो डाउट जिंदगी में कुछ जीने के मायने होने चाहिए कुछ गोल होने चाहिए कुछ मंजिलें होनी चाहिए तभी हम रास्ता पार कर पाएंगे अपनी लाइफ का सो वैन यू हैव कनेक्ट योर गोल टू डू समथिंग डीप और थ्रिलिंग यू फोर्स द माइंडलेस होर्सेस टू रन क्विकली द माइंड विल एक्टिवेट एंड गिव द टारगेट अ स्पर्ट ऑफ थॉट्स want to earn more money and raise the standard of living want to suppose you have these these and all the living life you imagine when goals connect with emotions so that creativity speeds up so i'm going to take the source of the power of positive thinking of the book and from that i have learned we have to make our goal every person makes should be goal सपोज इफ यू आर इन द लाइफ और यू आर डूइंग एनी थिंग इन योर लाइफ यू हैव टू बी जस्ट और टारगेट टू योर लाइफ आपकी हर इंसान के ज़िंदगी में एक गोल होना चाहिए और उस गोल को इतना डीपली लेना चाहिए इमोशनली कि आप उसको पाने के लिए इतना दीवानगी आ जाए आपके अंदर कि उसे पाने की चाहत कभी ना ख़त्म हो जब तक हम उसे पा नहीं लेते तो हर इंसान को एक गोल से कनेक्टेड होना चाहिए और डीपली जो आपको वो अंदर से हिला दे एकदम थ्रिल कर दे कि नहीं मुझे तो यह हासिल करना ही है चाहे इसके लिए मुझे कितना भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े कितना ही हार्डवर्क क्यों ना पड़े दिमाग में घोड़े जल जलाने चाहिए उसको पाने के लिए नहीं कि मुझे यह काश ऐसा हो जाए कि मैं अभी कभी उसे हासिल कर लूँ तो मन के घोड़े चलाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप कुछ हार्डवर्क नहीं करोगे अपने माइंड को एक्टिवेट नहीं करोगे उस टारगेट को पाने के लिए तो इसीलिए अपने आप में एक पॉजिटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी अगर हमें उस चीज़ को हासिल करना है हर इंसान के दिल में कोई ना कोई गोल होता है किसी की तमन्ना होती है काश मुझे इतना पैसा मिल जाए गाड़ी बंगला मिल जाए या किसी से लव करता है तो वो लड़का मिल जाए या लड़की मिल जाए या हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम सोल्व हो रही हो या किसी से मैरिज करनी हो फ्रेंडशिप करनी हो या मुझे ये जॉब मिल जाए काश मैं इंजीनियर बन जाऊँ चाहे मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो ये क्या है गोल है तमन्ना है हर के दिल में। लेकिन उसे पाने के लिए आप क्या कर रहे हो आपको उसको पाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा तभी आप उसे पा सकते हो और वो भी बाय हार्ट सिर्फ ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से हाँ हा, मुझे तो हासिल करना है मैंने इंजीनियर को देखा था डॉक्टर को देखा था वो ऐसा कर रहा है उसको इतने रुपए मिल रहे वो इतनी खूबसूरत हो गई वो इतनी बदसूरत हो गई नहीं जब तक आप अपने दिल में नहीं ठान लोगे कि मुझे यह हासिल करना है उस चीज के लिए हार्ड वर्क करनी है इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यू कैन चेंज इट एंड सपोज यू वॉन्ट टू रीच दैट थिंग्स हाउ यू विल फील इट जस्ट इमेजिंग सपोज यू आर ड्रीमिंग समथिंग एंड यू गोट इट हाउ यू विल रियलाइज हाउ यू फील दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स यू नो दैट थिंग्स सो so, उस पल के लिए जिस पल को आपने फील किया है तो उस पॉजिटिव थिंकिंग जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है लाइफ की वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है तो इसीलिए ज़िंदगी में हमें हमेशा जो है एक गोल होना चाहिए जो आपकी लाइफ uh, को चेंज कर सके उसको पाने की इतनी चाहत होनी चाहिए हार्ड वर्क होना चाहिए कि आप उसको पा सको अफेक्ट्स द थर्ड वन इज स्किल अफेक्ट्स you know professional speaker jordan says about looking good you give a message what affects hai your dress affects thinking maybe you have uh, seen in many movies that suppose you are a vip person but you are uh, wearing a normal dresses nobody allows in the hotel to you you know why because of your dress sense suppose you are going for interview and suppose you are just dressing in a normal way nobody will विल to टू गिव यू इंटरव्यू इन दैट टाइम यू नो because बिकॉज ऑफ योर your योर ड्रेस सेंस द वे यू आर वियरिंग तो हमारा जो अफेक्श है कि अगर जो प्रोफेशनल स्पीकर्स है जैसे अगर मैं बात करूँ इन सोर्स ऑफ बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सो प्रोफेशनल स्पीकर कहीं बोलते हैं इस बारे में कि अगर आपका अटायर आपका जो ड्रेस सेंस है आपका जो ग्रूमिंग है अगर वो परफेक्टली कर रखा है आपने तो नो no डाउट है भले ही आपको वो कुछ ना आता हो लेकिन एक बार वो आपको दूसरों की नज़रों में अफेक्ट्स करने के लिए बड़ा ही परफेक्ट रहेगा दूसरे आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होंगे इन्फ्लुएंस होंगे फ्रेंड सर्कल बनेंगे आप देखो चाहे वो कितना भी गरीब पर्सन हो मे बी शी और ही इज सेलिंग द मिल्क एंड सपोज ही इज़ वियरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस हाउ यू विल डी यू विल नेवर थिंक दैट ही और शी इज़ सेलिंग द मिल्क आप उसके ड्रेस सेंस से उसकी जो है अंदाज़ा लगाएंगे ये बंदा कैसा है इस पर्सन की क्वालिटी कैसी है ये पर्सन कितना अमीर है गरीब है तो हम किस तरीके से देते हैं ड्रेस सेंस से तो जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी इस रीज के बारे में रिसर्च की है कि सपोज स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल एस्पेक्ट सपोज यू आर वियरिंग द ब्लेजर कोट एंड एक्सेट्रा एंड ऑल सपोज इफ यू आर विनिंग द बिजनेस अटायर नो डाउट यू विल फील बेटर इन योर सेल्फ एंड यू विल डो द प्रोडक्टिविटी इन द एट द लेफ्ट एंड फाइव टाइम्स आप उसको जो है एटलीस्ट काम करने में आपका दुगुना मन लगेगा और जो प्रोडक्टिविटी है जो रिसर्च कहते हैं कि अगर कोई बिजनेस पर्सन है और अगर उसने सूट बूट पहन रखा है बिजनेस अटायर पहन रखा है तो उस बर्सन बर्सन में जो है पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो उस काम को करने के लिए परफेक्शन के साथ काम करता है तो ड्रेस सेंस आपने देखा होगा स्पेशली जॉब सर्किल में देख लीजिए मेरिज में देख लीजिए सपोज यू आर अटेंडिंग द मैरिज अगर आप मेरिज में नॉर्मल डेली रूटीन के ड्रेस पहन के जाएंगे हु विल नोटिस यू नो ठीक है हाँ, क्रिटिसाइज करने के लिए मे बी दे विल नोटिस यू लेकिन आप जैसे लहंगा सूट पहन रहे हो या ड्रेस शादी के अकॉर्डिंग पहन रहे हो किसी की डेथ हो गई अगर आप वहाँ शादी की ड्रेस पहन के जाओगे तो कैसे लगेगा तो ये मिसमैच हो जाएगा तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक ड्रेस एक अटायर रख रखा है ग्रूमिंग सेंस होता है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ड्रेस सेंस जो है करना चाहिए तो वो भी जो है पर्सन को अफेक्ट करता है हर इंसान उससे इंप्रेस होता है उससे बातचीत करने के लिए कोशिश करता है एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है अगर आप परफेक्टली ड्रेस अटायर या क्रूमिंग सेक्टर करते हैं तो इसीलिए प्रोफेशनल स्पीकर जॉर्डन ऑल्सो सेज दैट बाय लुकिंग गुड यू गिव अ मैसेज अबाउट योर सेल्फ टू फ्रंट ऑफ दैट यू आर इन अ बेटर मोड यू हैव ऑल द राइट्स यू हैव वर्क विथ कंप्लीट प्रिपरेशन ऑलवेज लुकिंग स्मार्ट उंडनेस क्लेम स्वीट राइट मेनी रिसर्च क्लेम दैट वियरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय सो अगर आप में भी जब हम तैयार होते हैं जब हम गुड लुकिंग लगते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमें जो है आती है तो वही चीजें अगर आप परफेक्ट बिजनेस अटायर करेंगे या अच्छी ड्रेस सेंस करेंगे तो आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है

कुछ भी जिंदगी में बदलाव लाना है अगर हमारे जो भी हमारी दुख तकलीफें हैं या परेशानियां हैं सपोज यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ आई दर इट इज अ पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ मे बी यू हैव पर्सनल अफेयर्स द फ्रेंडशिप द रिलेशनशिप द हस्बैंड वाइफ वट एवर इट इज द डिप्रेशन डिसअपॉइंटमेंट लॉनली बट इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर थिंकिंग that can be change your life otherwise you cannot change your life so there are two periods of life past and future and in the sense the present in brief you know some person if anything happened with their past they always try to think about past whatever happens whatever happens it will never change no if you really want to change your future you have to change your present and who will change it only you, only you can change your future. so if you want to change, the moment is passing fast. often people are stuck in the past, bitterness due to someone sad or unseen work. हर इंसान की लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसा हो रखा होता है जो वो ना तो किसी को बता पाता है ना ही किसी को कह पाता है हो सकता है किसी ने कुछ किसी से ना कहा हो किसी का काम पूरा ना हुआ हो अक्सर लोग पास्ट में बीते हुए कल में ही अटक जाते हैं कोई कहता है किसी ने कुछ कहा नहीं किसी ने कुछ कह दिया शायद किसी ने कुछ काम नहीं किया शायद किसी का काम हो गया तो ये जो वर्ड है ये वर्ड अपने आप में उनके जो है एक कड़वा सी उसके दिल के अंदर जो है बैठ जाती है हर इंसान के दिल में चाहे वो रिश्तों की कोई भी कदर हो चाहे फ्रेंडशिप हो मदर फादर हो हस्बैंड वाइफ हो फ्रेंड्स हो या कोई भी रिश्ता हो अगर उसमें किसी भी पर्सन को लेके कोई बात बैठ जाती है मन के अंदर वो डे बाई डे इंक्रीज हो जाती है नफरत के अंदर और उसकी अच्छाइयां बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जो कुछ भी रही होती है वो वर्ड उसके दिल में एक नासूर की तरह चुभने लग जाते हैं और वो बिल्कुल नफ़रत उनके दिलों में वो नफ़रत घर कर जाती है और वो कड़वाहट इतनी हो जाती है जिसे वो भूल नहीं पाते हैं लेकिन हर इंसान ये भूल जाता है ही फोर्ट गेट्स दैट इफ दिस इज अ डिसअपॉइंटमेंट दैन इट इज द ट्रूथ ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस यू हैव टू टेक न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस यू हैव टू टेक न्यू डिसीजन यू विल हैव टू टेक योर लाइफ फॉरवर्ड इफ यू डोंट डू दिस देन यू विल रिमेन अ स्लेव ऑफ योर पास्ट थ्रू आउट योर लाइफ आई एम गोइंग टू टेक द सोर्स ऑफ स्टॉफ वरिंग स्टार्ट लिविंग always try to live happily because no one can suffer with you and no one can say suppose if you are satisfying or you are doing anything for anyone suppose aapne apni family ke bare mein ya friend ke liye kuch bhi kiya to aapne unke liye acha kuch kar to diya लेकिन जब अगर आप उनको कुछ बोलेंगे कि तुम्हें पता है मैंने उस टाइम तुम्हारे लिए ये ये sacrifice किया था तो वो आगे वाला person क्या बोलेगा आपको पता है किसने बोला था करने के लिए मैंने तो नहीं बोला था तो तुम नहीं किया था उस वक्त आप फील जो है फी करेंगे कि काश मैंने ऐसा क्यों किया मैंने क्यों किसी के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद किया क्यों किसी के लिए अपनी खुशियों को बर्बाद किया तो चेंज पास्ट में जाए कुछ भी कड़वाहट हो आपकी प्रेजेंट में कुछ भी हो अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है तो किसी को भी अपने लाइफ को कंट्रोल करने की परमिशन ना दे हमेशा अपनी जो भी कुछ है जो भी पावर है वो हमेशा अपने हाथ में रखो यू डोंट डू दिस एंड यू विल रिमेन अ स्लेव फॉर द पास्ट थ्रू आउट योर लाइफ अगर आपने अपने पास्ट को हावी कर दिया अपने प्रेजेंट पे तो आप ज़िंदगी भर अपने पास्ट के ग़ुलाम बने रहेंगे पूरी लाइफ और आप उस सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे काश काश मैंने ऐसा कुछ किया होता उस वक्त ये फैसला लिया होता शायद मेरी लाइफ चेंज हो जाती शायद मैंने ऐसा किया होता तो लाइफ चेंज हो जाती लेकिन वो नहीं होती बिकॉज इफ़ यू आर थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग सपोज इफ एनीबडी इज़ गिविंग यू ट्रबल इन योर लाइफ जस्ट मूव दैम जस्ट थ्रो इन आउटसाइड कोई भी इंसान हो कोई भी चीज़ हो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है यू हैव टू चेंज योर लाइफ आपको रियलिटी देखनी होगी कि वो हम उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है नहीं है यू हैव टू चेंज योर लाइफ सिर्फ पास्ट में बैठे रहने से सोच सोच के करने से काश उसने मेरे बारे में सोचा होता आज उसने मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा है तो कब तक आप दुख मनाते रहेंगे यू हैव टू चेंज योअर सेल्फ यू जस्ट मेक योर फ्यूचर इफ यू कैन थिंक देर इज अ वन डोर क्लोज इफ यू सी इन अदर साइड देर आर मेनी डोर ऑपर इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट योर थिंकिंग जस्ट चेंज योर मूड जस्ट चेंज योर थिंकिंग जो चीज़ आपको परेशान करे उस चीज से दूर हो जाओ या तो उसको दूर कर दो या अपने आप दूर हो जाओ वो लाइफ में अपने आप प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व और ऑलवेज राइट टू डाइवर्ट योर माइंड जो चीज़ आपको परेशान कर रही है ऑलवेज राइट टू जस्ट डाइवर्ट योर माइंड जो चीज़ आपको खुशी देती है हमेशा वो काम कीजिए तब तभी आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और तभी आपकी लाइफ जो है खुशहाल बनेगी नई जिंदगी की राहें बनेगी और जिंदगी में आप हमेशा फिर से पहले की तरह मुस्करा पाएंगे किसी भी पर्सन के लिए अपनी लाइफ बर्बाद करने से अच्छा है कि जिंदगी में हमें आगे देख कर आगे खुश होना चाहिए तभी हम जो है जिंदगी की अच्छी राहें देख सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर मोर अपडेटिंग वीडियो You subscribe to Nas Parshala. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Do share, likes, and subscribe my channel, Nas Parshala. Thank you so much. Take care. Bye bye.